हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट। और कैसे हो आप सभी, एक और सुहाना दिन। मैंने बेस में कुछ चेंजेस तो नहीं किए, बाहर मैंने कुछ चेंजेस किए, तो मैं वो आपको सबसे पहले चेंजेस दिखाना चाहता हूँ। चलो निकलते अभी ऊपर की तरफ। यहाँ आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ये जो ऊपर जो क्रेट और वो थे वो सब नीचे ला दिए। मुझे नहीं पता ये चेस्ट मैंने यहाँ क्यों रखा है, लेकिन अच्छा लग रहा था इसलिए रख दिया है। और अभी जो ऊपर है ना वो थोड़े फार और चेंजेस किए, ठीक है। और ये जो क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस आप देख रहे हो वो मैंने ऐसे ही लगा दिया है। और यहाँ से नीचे जाने के लिए बहुत इजी हो रहा है मुझे अभी, एज़ कम्पेयर टू जब मैं पहले कर रहा था वैसे, ठीक है। अब ऊपर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो सबसे पहले ऊपर की साइड मैंने पूरी चेंज कर दी है, बाहर से भी काफ़ी सही लुक आ रहा है। और यहाँ ऑटोमेटिक डोर लगा दिए, प्रेशर प्लेट लगा के, मुझे पता नहीं था कि प्रेशर प्लेट से ऑटोमेटिक डोर भी बनते हैं, वो मुझे बाद में पता चला। सो चलो कोई नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है, ओके। अंदर मैंने ये दो पेंटिंग्स लगाई, ये दो वुड लगा है ओक वुड का, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया लेकिन अच्छा दिख रहा था इसलिए कर दिया। और एक बेड तो है ही। चलो बाहर की अगर बात करें तो ये प्लॉट पूरा हमारा हुआ अभी। अब इस प्लॉट में अगर कोई भी आया तो वो बिल्कुल मारा जाएगा बेफालतू में दिमाग खराब करने। अगर ज़ॉम्बी भी आया ना तो सीधा काट फूट के फेंक दूंगा मैं, इतने पूरे प्लॉट में मुझे कोई दिखना नहीं चाहिए। ये प्लॉट अपन का हुआ और ये एक हॉर्स है जिसको मैंने परसों मतलब कल ही पकड़ के लाया वहाँ से विलेज की तरफ से, ऐसे ही घूमते जा रहा था, मुझे मिल गया, पकड़ के लेके आया। और यहाँ कुछ इन्फिनिटी वाटर का सोर्स बना के रखा है। और ये जो आप देख रहे हो ना ये वॉल कंपाउंड है, फिलहाल के लिए ऐसा ही है, मॉडिफाई इसको करना है लेकिन बाद में। लेकिन जो मॉडिफिकेशन होने वाला है ना इस पूरे कंपाउंड का बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि मैंने सारी प्लानिंग्स करके रखी है इसे कैसे मॉडिफाई करना है, यानी कोबल स्टोन वगैरह बाद में जो भी मैं करूँगा वो आपको बराबर दिखाई देगा थोड़े दिनों बाद, क्योंकि उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो थोड़ी कम है, तो चीज़ें लाने के बाद हम करेंगे। और एक बात यार बताओ, मुझे विलेजर्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? मतलब मैं परसों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक भी विलेजर दिखाई नहीं दिया, सब घर वैसे वैसे खाली पड़े हैं, कोई विलेजर नहीं है, इनका सामान बस यहाँ पड़ा है जो मैं कभी कभी लेकर जाता हूँ मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो जैसे कि वो मैं कल यहाँ से एक जगह से थोड़ा सा वुड लेके गया था, ख़त्म हो गया था तो। और बस बाकी थोड़ा फार सामान जैसे यहाँ पर इसका ब्लास्ट फर्नेस था वो लेके गया था मैं परसों, तो ऐसे ही कुछ थोड़ा फार सामान लेके जाता हूँ अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो। और विलेजर्स कहाँ चले गए मुझे पता नहीं यार, अब वो लौट कर आएंगे भी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आगे जाकर मैं इस जगह को पूरा रिपेयर करने वाला हूँ, विलेज को पूरा रिपेयर करेंगे और विलेजर्स पकड़ के लाकर वहाँ रखेंगे और उनसे काम करवाएंगे। अब वो कैसे होने लगे मुझे पता नहीं, मैंने सुना ऐसा होता है तो वो देखेंगे बाद में। ऑलराइट, और बस बाकी और कुछ चेंजेस तो मैंने किए नहीं है। और आज का जो काम है गाइस वो है हमारा फार्मिंग करना, ओके। सो जो भी लगता है मैं फार्मिंग के लिए वो सब मेरे पास है, और मैं फेंस से सबसे पहले बॉर्डरिंग कर दूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट काम है हमें एनिमल्स को भी अपने पास, मतलब एनिमल्स को पालना है ना, तो उसके लिए भी ऐसे फेंस से वो बनाऊंगा, बॉर्डरिंग वगैरह सब कुछ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा मैं कहाँ से शुरू करूँ, इस कोपचे में से, हाँ ठीक होगा, इस कोपचे में से ऐसे वहाँ से ये कितने ब्लॉक से, हाँ ऐसे वहाँ तक और वहाँ से वहाँ तक, ठीक है। चलो अब फटाफट से मैं सारा कुछ करके बता देता हूँ आपको, क्योंकि देखो यार अभी अगर मैंने आपको दिखाया ना तो बहुत बोर होगा। और आप सबको पता है मेरे पहले वर्ल्ड में मैंने ऐसे ही किया था, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है माइनक्राफ्ट की, तो वो एपिसोड आप देख सकते हो फार्मिंग वाला, क्योंकि अभी अगर मैं ये सब दिखाऊंगा तो आपको बहुत बोर हो जाएंगे, तो मैं ये सब स्किप करने वाला हूँ, ओके। सो हियर वी गो, हे भगवान। चलो फाइनली डन हो चुका है और मैंने फसल भी उगा दी, मेरे पास जितना वीट था मैंने उतना सब लगा दिया, और कुछ आलू बटर के लाया था मैं बाजू में, ये एक किसने तो भी खेती की थी उससे मैं आलू लेके आया था और वो भी लगा दिए, ओके। सो जितनी खेती होनी थी उतनी हो गई है, और मैंने कुछ इस टाइम जैसे पिछले बार किया था वैसे ही किया है, सिंपल सा फेंस से कंपाउंड बना दिया है और यहाँ खेती के लिए जगह छोड़ दी है। अब यहाँ पर भी उगेगा लेकिन जब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आएंगे तभी उगा सकते हैं ना, ठीक है। तो फिर चलो अब पानी वगैरह डालना भी हो गया है, ऑलराइट खेती का तो हो गया है, अब एनिमल्स का कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल्स के लिए भी ऐसे फेंस का कंपाउंड बनाना पड़ता है, और आई थिंक मेरे पास फेंस कम पड़े, देखना पड़ेगा कितने फेंस है। और ये जो है ना भाई ऐसा ही मैंने पिछले बार भी बनाया था, अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो आप माइनक्राफ्ट के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 3-4 नंबर पर ही फार्मिंग का जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर सेम वेस ऐसी ही फार्मिंग करी हुई है मैंने, ओके। और ये कैसे रह गया इधर, एक सेकंड निकालने दो मुझे, ये ऊपर का ये जो टेम्पल टाइप बनाया था ना वो, तो वो बनाते वक्त मैंने डर्ट प्लेस किए थे कुछ, तो ये निकाल दिया, ओके। ऑल राइट, अब ये भी हो गया है, और अब जो काम है वो है एनिमल्स को पालना,
चलो उस काम के लिए लगते हैं फटाफट से। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, ये तो अभी यहाँ पर मैंने अगर खेती की तो मुझे एनिमल्स को अगर पालना है तो मैं किस साइड पाल सकता हूँ, ज़्यादा इजी किस साइड होगा? एक सेकंड, ये खेती बराबर से उग तो रही है ना। हाँ, और ये जो आप देख रहे हो ना वाइट वाइट, ये वाइट वाइट जो अभी मैंने तोड़ा वो कारपेट है भाई, वो इसके लिए कि हम बार बार ये फेंस गेट खोले, इसके लिए मैंने ये इसे इस तरह लगा के रखा है ताकि मैं सीधा इससे जंप मार के अंदर जा सकता हूँ, मतलब ज़्यादा घूम फिर के जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, सो चलो अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि अगर कितने स्टैक है मेरे पास, 44 पड़े है और 64 का स्टैक पड़ा है, तो हो जाएगा इतने में? नहीं यार, मुझे शीप्स, काउस, पीक्स और मुर्गियाँ मतलब चिक्स, चार एनिमल्स को पालना है तो उनके लिए चार कंपाउंड्स बनाने पड़ेंगे यार, बहुत सारा लगेगा इसके लिए। तो ओके, फिलहाल जितना होता है उतना सबसे पहले इन्फिनिट वाटर का सोर्स ढक दूँ मैं। ओके, अब यार आप एक बात सोच रहे होगे कि इसने गटर टाइप क्या बनाया इसे बाहर और अंदर, तो ये जॉम्बिस के लिए भाई। एक्चुअली क्या होता है, रात को जब जॉम्बिस स्पॉन हो जाते हैं ना ये आसपास और यहाँ पर आते हैं ना, तो वो पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने के बाद उनको वॉल से बाहर निकल, मतलब पानी से बाहर निकलती नहीं था अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो। ओके, सो इसके लिए जो है ना मैंने वो बना के रखा है। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यार ये हॉर्स है ना बड़ी उछल कूद कर रहा है, मैंने इसको छोड़ दिया था, अभी इसको फिर से बांध देता हूँ। अब देख शांति से उधर खड़े रहे वरना पिटेगा अभी। चलो शुरू करते हैं अपना काम, ये मैं प्लेस करना शुरू कर देता हूँ। ओके, जैसे फार्मिंग के लिए किया बस वैसे ही कंपाउंड बनाऊंगा और फिर हम एनिमल्स को लेके आएंगे। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। गुड नाइट फ्रेंड्स। अरे भाई बहुत कमर मुड़ गई रे इतना काम करते करते। ऑल राइट, चलो निकलते हैं बाहर। काम कर ही रहा था, रात हो गई यार, देखो मैं कितना मेहनती बच्चा हूँ। और ये कौन है? हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरे प्लॉट में आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? हैं, अच्छा वो खिंच रहा है। आ जाओ, भिड़ लो मेरे से, भिड़ लो। और क्या ये है कौन भाई, और अचानक से ये क्या भाई, क्यों मतलब, एक तो गया ये, दूसरा भी गया, और ये क्या आया भाई, ये क्या आया। सो गाइज, ये मैंने कभी पहले देखा नहीं है, बस मुझे पता है कि ये हमला तो करते हैं, लेकिन यार ये जहर निकलना हो गया शुरू। हेल्थ वगैरह जा तो नहीं रही ना? नहीं, हेल्थ वगैरह तो फुल है, और खाना भी मैंने खा लिया 99.41, मतलब 99 मिनट्स ये रहेगा ऐसा जहर का असर। मैंने सुना है कुछ रेड वगैरह होती है, आओ देखते, ये तो विलेज है अपने पास, तो विलेज में रेड। अबे मकड़ी इधर हट, अभी दिमाग ख़राब मत करियो, इधर वो आने वाले रेड मारने के लिए, वो कौन थे, वो क्या नाम है उनका पता नहीं मुझे, ओमेन कुछ तो है। आओ बेटा, गांड फाड़ कर रख दूंगा अगर इस विलेज पर किसने रेड की तो। ये मेरा विलेज है और मेरा ही रहेगा। आओ बहन के टोको, दिखाता हूँ तुमको कहाँ है, कोई तो दिख तो नहीं रहा भाई, कहाँ रेड मारना है। शायद से जहाँ पर विलेजर से वहीं पर आते हैं ये, आई थिंक यहाँ भी आने चाहिए यार। देखेंगे। और यहाँ मियाओ कौन कर रहा है? अरे मैंने बिल्ली भी कैद करके रखी शायद से, यहाँ कहीं तो मेरे को याद है मैंने वो काऊ के तरह 98 मिनट। ओके, काऊ के पास मैंने एक बिल्ली भी कैद करके रखी, मछली जब पकड़ेंगे तब उसे भी पकड़ लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऑल राइट, ये स्ट्रॉबेरीज तोड़ दूँ मैं इनके, अब तुम यहाँ रहने तो नहीं आ रहे, तो मैं ही बटोर लेता हूँ आपका सामान, आप जब रहने आओगे तब आपको दे दूँगा फिर से। ठीक है, चलो तो भाई आराम से, ये सब बाद में हमें काम आने वाला है, सो थोड़ा प्रेम से उठाओ। हाँ चलो लेट्स गो, अभी मुझे नहीं लगता वो आएंगे, हम हमारा काम कंटिन्यू करते हैं। और भाई उनके वजह से काम भी रुक गया और रात भी हो गई जो, तो मैं सो ही गया था मतलब। चलो हाँ, ये आवाज़ कैसी भाई, किस खुशी में? अरे मैं ऊपर प्लेस करें तो नीचे प्लेस हो जाता है क्या? ले भाई फिर से। ओके, अभी ठीक से प्लेस हो गया। चलो ये दो अभी हो गए, अब ये तो शिप्स का हो गया भाई, अभी हमें काउस का, पिक्स का और मुर्गियों का। अगर मैं शायद से पिक्स बाद में, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि पिक्स बाद में रखूँगा, काउज और मुर्गियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिकन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रविवार को हम चिकन खाते हैं, तो चिकन बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रावण महीना रख गया तो भाई एक महीना बंद है, तो ठीक है एक महीना रुक जाते, लेकिन पहले हम मुर्गियों को पालेंगे क्योंकि अंडा भी मिलता है उनसे। सो चलो मैं फटाफट से सारा कंपाउंड पूरा करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। ओके ओके, सो रात हो गई और बहुत मेहनत कर दी भाई, अभी कंप्लीट हो चुका है आई थिंक फाइनली।
ये शिप्स का, वहाँ पीछे मैंने काउस का बनाया और उसके बाजू में हम मुर्गियों को रखेंगे। ओके हाँ, बहुत मेहनत लगी यार। भाई आप सभी को ऐसा लगता है ना कि ये वीडियो 10 मिनट की 20 मिनट की, नहीं यार वीडियो 3-3 घंटों की होती है, पता है वीडियो 3-3 घंटों की होती है, आपको दिखाई दी जाती है 20 मिनट की, क्योंकि सारी एडिटिंग वगैरह। ये देखो ये वो बिल्ली जिसको मैंने कैद करके रखा, और मैं ये इस काऊ को नहीं लूँगा क्योंकि ये काऊ अगर आई तो ये बिल्ली भाग जाएंगी अगर मैं गेट खोलूँगा तो, मुझे पता है। तो मैं अगली मतलब दूसरे जगह पर काऊ है उसको लेके आता हूँ। चलो सो मैं क्या कह रहा था, अरे लग गई, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो वो भाई वीडियो 3-3 घंटों की होती है, आपको दिखाई देती है 20-20 मिनट की। ऑल राइट, सो भाई बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि मतलब बस कुछ भी बनाया डाल दिया। मैं कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। रुक जाना भाई, कुछ बोल रहा हूँ ना मैं मेरे ऑडियंस से। हाँ तो मैं कभी बहुत बार सोचता हूँ कि यार क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन भाई मतलब हो नहीं पाता है भाई। आप समझ सकते हो यार, जो भी न्यू यूट्यूबर है उन सबको पता है कितना बड़ा मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक एक वीडियो बनाने के लिए। और माइनक्राफ्ट की अगर बात करूँ तो यार थोड़ा वो मुश्किल ही, क्योंकि 4 घंटे का वीडियो और उसको 10-20 मिनट में बनाना बहुत मुश्किल है। आ जा भाई, दूसरी काऊ आ गई यार। मैं बात करने लग गया ना कि ऐसा हो जाता है, मतलब मेरा गेम में मतलब इतना ध्यान नहीं हो जाता है, मैं जब बात करने लग जाऊँ तब। आ जा भाई काऊ, जल्दी आ जा। चलो सो ये जो आपको बाहर का है ना ये इग्नोर करो, इस सबको मैं ठीक करूँगा बाद में, आपके सामने नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपके सामने अगर करूँ तो फिर आपको बोर हो जाएगा ना इतनी बड़ी क्लिप देखते देखते। तो ये सब होगा क्लियर, सारा मस्त चकाचक होगा। अभी तो शुरुआत है रे, अभी तो कितना 12-13 एपिसोड शुरू शायद से मैं माइनक्राफ्ट का, टेंशन मत लो सब कुछ रिपेयर होगा। चलो अब इसको इसमें डाल देते हैं। भाई ये बहुत बड़ा है रे ना, चलो इसमें रख देते हैं, मैंने बहुत बड़ा बना दिया गलती से, नहीं गलती से नहीं, वो आगे जब होंगे मल्टीपल। देखो अभी देखो बछड़ा देखना है क्या तुमको इनका बछड़ा, अरे किया कि नहीं इन्होंने बछड़ा, अरे बछड़ा दे तो, अरे यार से नहीं जाएगा बछड़ा कहाँ गया तुम्हारा। अरे इन्होंने भैंस को जन्म नहीं दिया, मतलब नई वाली संतान को जन्म नहीं दिया क्या? एक सेकंड, मैंने तो सुना है कि खिलाती जन्म देते, और मैंने तो पिछले भी वर्ल्ड में किया है वैसा। इधर एक सेकंड भाई, कहाँ गई वो काऊ, यहाँ लगा देता हूँ। ओके अभी ठीक है। अरे वो रहा ना भाई, वो पीछे है। हाय हेलो, वेलकम टू माइनक्राफ्ट छोटे काऊ। अब हम आपका दूध पियेंगे। अब चलो जाते हैं मुर्गियों को पकड़ने। अरे मुर्गी कहाँ मिलेगी बाबा मुझे, रुको वहाँ से ये कुछ ग्रो हुआ है थोड़ा सा, मैं उठा लेता हूँ वो, क्योंकि मुझे अगर शिप मिलेगी तो मैं शिप को भी हाथों हाथ अट्रैक्ट कर लूँगा ना वहाँ से। चलो तो ये डाल दिया फिर सीड, ये ग्रो होते रहेगी और हम निकलते हैं अभी ऐसे, हमारा कुछ काम नहीं है अभी, इनको ग्रो होने दो आराम से। लेट्स मूव। और मुर्गियाँ कहाँ मिलेगी, मैंने मुर्गियाँ देखी थी जब मैं काऊ को देने जा रहा था, मुझे पीछे की तरफ मुर्गियाँ दिखी थी दो, तो हो सके तो मैं उनको ही लेके आता अगर पॉसिबल हुआ तो, और मुर्गियों को तो मैं यही रखूँगा ना। हाँ बढ़िया, मैं कुछ भूल गया क्या, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ भूल गया ना। सीट तो है ना मेरे हाथ में, बस वो सीट ही काफ़ी है। ओए स्केलेटन, स्केलेटन क्या जा रही है जान दो, फिलहाल इग्नोर करो, स्केलेटन भी गया बाहर में सब कुछ गया, पहले मुझे मुर्गियाँ दो। हेलो मुर्गी जी, मैं मारने नहीं वाला हूँ आपको, मैं आपको मेरे घर ले जाने आया हूँ, आ जाओ। अरे ये रही, आ जाओ, दूसरी भी आ जा रही, तू अकेले क्या करेगी, बोर हो जाएगी ना अगर डिप्रेशन में चली गई तो, इसलिए तेरे साथ में दूसरे को भी ले आया। अरे नहीं यार, एक साथ दो ले जाना चूतिया पाओगा, पहले इसको ले जाते, आ जाओ मुर्गिया जी आ जाओ, वेलकम टू माई हाउस, पहले घर तो आने दो। ओके चलो चलो चलो, भाई क्या कर रहा हूँ मैं, ओवर एक्टिंग के 50 रुपये काट रहे इसके। आ जाओ मुर्गियों आ जाओ, अरे आओ ना, क्या क्या कैसे करते रहे मुर्गियों को, वो याद नहीं आ रहा है मुझे अभी कुछ कैसे तो करते हैं। चलो छोड़ो, आ जाओ मुर्गियों, काँ काँ काँ। अबे भाई मेरी आवाज़, सॉरी गाइस थोड़ी फरमाजाक मस्त चलती रहती है। कहाँ गई मुर्गी, अरे चलना, ये देखो भाई ये दूसरी पीछे रह गई। अरे क्यों, हाँ तुझे इतना बड़ा चांस मिल रहा है, एक साथ एक ही पिंजरे में हो तुम दोनों, मतलब समझ रहे हो मेरी बात, भावनाओं पर मत जाओ, भावनाओं सम भाव जाने दो, गई भावना गई भाड़ में। आ जा इधर आ जा तू मुर्गी, इधर आ जा, आ जाओ मुर्गियों इधर आ जाओ, इनको कहाँ रखूँ, फिर सबसे पीछे का सेक्शन देता हूँ इनको सबसे आखिर का, क्योंकि इनका इतना काम नहीं, ये सिर्फ अंडे देते हैं और कभी कभार अगर मुझे चिकन खाने की इच्छा हुई तो एक हाथ को मार भी दूंगा, तो इनका कुछ ज़्यादा इतना बड़ा काम है नहीं, तो इनका कुछ इतना बड़ा योगदान है नहीं, तो इनको कोपचे में डाल देते। और लामा ये ट्रेडर कहीं पर भी घुस जाता है, मतलब नहीं
मतलब हद है यार, कहीं पर भी एक सेकंड में गेट लगा लूँ, सबसे पहले भागना चाहिए। एक सेकंड तुम पहले तुम उधर गोची को करो, कोपचे में जाकर मैं इनको देखता हूँ। कहाँ गया वो लामा? एक सेकंड, अब वो कोपचे मेरा। अरे वाह नाइस, हेलो क्यूटी न्यू चिक, वेलकम टू माइनक्राफ्ट। इधर आ, क्यों नहीं कहा है ना, नहीं कहा है ना आने को? समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, समझ नहीं आता मक्करों को, समझ नहीं आता, दिमाग खराब, समझ नहीं आता क्या एक बार क्या हुआ? नहीं चाहिए मुझे तेरे से सामान। एक एमरल में दे रहा है मुझे एक कोल, 10 एमरल में मुझे दे रहा है वीट, जख मारने को लू मैं? बकचोद आदमी। चलो निकलते अभी, अभी शिप्स को ढूंढना है यार। शिप कहाँ मिलेगी अभी मुझे? मुझे अब तक तो मुझे मेरे आसपास के में 3-4 दिन कोई शिप नहीं देखी, क्योंकि मैंने बहुत से शिप मार दिए। नीचे देख रहे हो हॉट बार में जो खाना है वो शिप का ही है? नहीं शिप का नहीं, ये खाना किसी और का, शिप का खाना खत्म हो गया शायद से। कितने शिप मारे हैं मैंने, मुझे भी याद नहीं आ रहा अब तक। अरे यार मेरे ही गटर में मैं ही फंस गया। ओके मैंने कितने शिप मारे हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे मारे भाई, बहुत से शिप मारे हैं मैंने। छोड़ो यार निकलते अभी। वेयर इज शिप? हेलो शिप जी। हाँ तो हमें यहाँ पर अलग जंगल में शुरुआत हो गई ना, अब यहाँ से आगे जाने के बाद अलग जंगल की शुरुआत होती है गाइस। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी केव है जिसे हमें एक्सप्लोर करना है। ओके सो टेंशन मत लो यार, तुम सब्सक्राइब करके रखो, आगे जाकर बहुत तगड़े तगड़े वीडियोस आने वाले हैं। और मैं मेरी कमेंट्री में इम्प्रूवमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो वीडियो है ना यार, ये शायद से मुझे आगे जाकर थोड़ा सा वॉइस ओवर करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि साउंड क्वालिटी थोड़ी सी भंगार आने वाली है अभी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा मतलब मेरे घर में थोड़ा काम चल रहा है अभी, तो इसकी वजह से शायद से आगे जा अभी थोड़े देर टाइम बाद क्वालिटी मतलब वॉइस ओवर करूँगा मैं शायद से थोड़ी देर बाद, मतलब रिकॉर्ड करके बाद में वॉइस ओवर करूँगा। सो थोड़ा एडजस्ट कर लिया आज की वीडियो के लिए। ऑल राइट सो चलो, शिप कहाँ मिली यार? रात हो गई लेकिन शिप नहीं मिली। और यार पानी डालना बाकी है तो वहाँ पानी डालना पड़ेगा। चलो मैं सबसे पहले सो लेता हूँ और फिर कल फिर से निकलते शिप को ढूंढने। ऑल राइट सो गुड नाइट, मैं पहले सो लूँ आराम से। अबे यार शिप तो मिल ही नहीं रही यार, दूसरा दिन शुरू हो गया। मैं बराबर उस साइड से इस साइड घूमने, वो कौन है? क्या वो लामा है? क्या वो लामा है? अरे लामा, ये तो मिथ पैट की उल्टी है। ओ लग गई, ये कैक्टस यार। ए मिथ पैट की उल्टी ले, लेकिन मिथ पैट तो ला ली ना फिर से उल्टी, टाइम मशीन बना कर ना, ऐसे कुछ तो किया ना। हाँ छोड़ो ये, हम इसका नाम रखेंगे पुल्टी। इसका नाम क्या रखेगा इस? मिथ पैट की उल्टी और हमारी पुल्टी। अरे छूट गई, रुक जा फिर से लेता हूँ इसको। चलो इसको ले जाते हैं घर में, और वहाँ और एक है लेकिन जान दो, इसको ही लेके जाना है मुझे। हम इसके ऊपर राइड भी नहीं कर सकते यार, इसका कुछ तो काम होगा ना, कुछ तो काम होगा इसका, मतलब ऐसे ही बेफालतू में घूम रही क्या ये? नहीं कुछ तो काम होगा, ढूंढना पड़ेगा क्या काम है। पहले इसको घर तो ले चलते, आ जाओ आ जा पुल्टी। पुल्टी यार नाम सजेस्ट करो यार, तुम उस हॉर्स का नाम रखना है, उन कुत्तों का नाम रखना है, मुझे बहुत से काम है, नाम सजेस्ट करो। तुमको पता है मैं नामकरण में बहुत, अबे क्या क्वाक कर रही है? इधर आ, तुझे इधर बांधू मैं सबसे पहले, ये इधर लीस। ओके चलो बढ़िया, अब हमारे पास एक पुल्टी हो गई, एक हॉर्स हो गया, एक दो डॉग हो गए, अभी शिप्स को लाना बाकी। यार मैं भूल ही जाता हूँ, शिप्स को ढूंढना ही है अभी। चलो फिर से निकलते शिप की खोज में, आओ लेट्स गो। मैं तो रास्ते से जा रहा था, शिप को ढूंढ रहा था। अरे यार शिप, ओ क्या वो शिप है? ओ भाई साहब फाइनली, समर सीजन से रेनी सीजन। अरे वाह दोनों शिप मिल गई, और एक ब्राउन और एक वाइट। अब इनका बछड़ा कैसा निकलेगा? ब्राउन वाइट मिक्स देखेंगे। चलो भाई साहब, समर सीजन से रेनी सीजन शुरू हो गया तब भी शिप नहीं मिली, अभी फाइनली जाकर मिली है गाइस, बहुत मेहनत के बाद। अरे यार बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है इन शिप्स को ढूंढना। चलो आ जाओ शिप्स, आ जाओ रे, नखरे मत करो अभी, दिमाग खराब मत करो, कहाँ गई? चलो आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, मुझे टाइम नहीं है, रात हो गई तो फिर वो जॉम्बिस विम्बिस फालतू में दिमाग खराब करते। ये देखिए फिर से उधर गुम हो गई। क्या यार, मतलब तुमको खाना खाना है कि नहीं? खाना है ना, चलो फिर आओ जल्दी फटाफट से, तुम्हें सबसे पहले कैद करूँ, बहुत टाइम हो गया यार अभी, मतलब मैं बहुत थक चुका हूँ तुमको ढूंढते ढूंढते, बहुत मुश्किल से मिले हो, आ जाओ। और मैंने गेट क्या बनाया? वे गेट कहाँ? हाँ ये रहा ये, अरे नहीं नहीं कहाँ गया? अरे गेट, हाँ ये रहा ये रहा। ओके आ जाओ शिप, और मैं सबसे पहले गेट बंद करूँ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से लग गई यार, गलती से लग गई ना, गुस्सा हो गई यार वो देख, गलती से लग गई। हाँ ओके खा रही है। अरे मेरे पास, अरे रुक मुझे वीट लेके आना पड़ेगा, और एक
अगर इनको ब्रीड कराना है तो मुझे एक और वीट लेके आना पड़ेगा। चलो जल्दी 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 एक वीट लाना पड़ेगा। अरे यार ये रास्ते में प्लेस हो गया कैसे। ओके चलो फटाफट से एक वीट लाते हैं भाई, रात हो रही है, जल्दी जल्दी जल्दी, बारिश का मौसम शुरू हो गया। अरे बाढ़ भीड़ ना आ जाए बस। ये तोड़ो, ये भी तोड़ो, ये भी तोड़ो, ये भी तोड़ो। ओके लगाओ अभी यहाँ पर फिर से सीट्स। कितने सीट्स मिले मुझे? 8। वाव नाइस। अरे अरे लग जा लग जा लग जा लग जा भाई लग जा, नखरे मत कर। किस किस टाइप की बकचोदी चलती है मेरे साथ क्या पता, मतलब नखरी अजीब ही नखरे गंद लग जाते हैं। ओके ये दो यहाँ पर लगा देता हूँ। अरे अभी ये स्टोन होए का गया होए स्टोन होए। ओके लगाओ इसको भी। 1 2 ऑल राइट, सीट्स भी लग चुकी है पूरी अच्छी तरह से। अब निकलते आगे और ये शिप रुक जा, तुम्हें मैं देता हूँ ना खाना, देता हूँ टेंशन मत लो, खाना देता हूँ मैं तुम्हें। आ जाओ इधर, ये दे और तू भी खा रहे। हाँ अब तुम करो गुच्ची पुच्ची और मुझे बच्चा दिखाओ किस कलर का। अरे ब्राउन कलर का निकला रे, वाइट कलर का नहीं निकल सकता। ये लो खाओ, अब वाइट कलर का दो ना मुझे एक बच्चा प्लीज। भाई नहीं मैं इनको खिला नहीं सकता। ओके 5 मिनट के बाद खाएंगे तो बच्चे को खिलाता हूँ। अरे हटो ना, बच्चे को तो खाने दो, तुमको नहीं खाना तो। अरे कितने गंदी मम्मी पप्पा ये। हाँ आ जा बेटा, ये ले ऑल राइट। तो बच्चे को भी अच्छी तरह से पेट भर के खिला दिया है और डेट्स इट फॉर टुडे। मैं बहुत थक चुका हूँ गाइस, इन शिप्स को ढूंढे ढूंढे मेरी मतलब कमर कस गई भाई, लेकिन ये मिलने को तैयार नहीं थे, बहुत मुश्किल के बाद मिली है। और कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपकमिंग वीडियोस काफ़ी सही आने वाली है तो स्टे ट्यून गाइज। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। गुड बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।